दोस्तों, जंक फूड खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, लेकिन क्या इसको लेकर मामला कोर्ट में जा सकता है? ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वीवा न्यूज। ऐसा ही एक मामला सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया। मामला कर्नाटक का है। एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसको लेकर बीते दिन कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस एस नागप्रसन्ना ने कहा कि इस तरह का शिकायत व्यक्ति के खिलाफ करना बहुत ही निम्न स्तर का मामला है। अब मामला क्या है ये भी जान लीजिए। एक महिला ने अपने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने बच्चे के जन्म के बाद उसको फ्रेंच फ्राइज खाने से मना कर दिया था। इस मामले को लेकर महिला ने अदालत में इसकी शिकायत की। अदालत में सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर पति के खिलाफ किसी भी तरह की जांच देना कानूनी दुरुपयोग होगा। अब बार एंड बेंच के अनुसार मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस एस नागप्रसन्ना ने पति के खिलाफ चल रहे सभी जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही पति के विदेश जाने की अनुमति भी दे दी। हालांकि पति को इसके लिए उसका एफिडेविट जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद पति ने एफिडेविट जमा कराते हुए कहा कि वो इस मामले में जांच प्रक्रिया के दौरान सभी अधिकारियों को पूरा सहयोग करेंगे। अब जांच होना किसका है तो ये भी जान लीजिए कि ये जो इनकी पत्नी थी, इन्होंने इसके पति के ऊपर आरोप लगाया ही था, अपने ससुराल वालों के ऊपर भी आरोप लगा दिया था। महिला ने इस मामले में अपने पति के साथ अपने ससुराल वालों के ऊपर भी आरोप लगा दिया था और हाईकोर्ट ने परिवार के खिलाफ चल रहे जांच को पारित कर दिया, उस पर जांच चलेगी। महिला ने शिकायत में अपने पति पर आरोप लगाया था कि बच्चे के जन्म के बाद उनके पति ने फ्रेंच फ्राइज और मीट खाने पर रोक लगा दी थी। पत्नी के आरोप के बाद पति ने तर्क दिया और तर्क में क्या कहा कि अमेरिका में रहने के 6 वर्षों के दौरान घर में उसकी पत्नी उसी से ही सारा काम कराती थी। अब ये सभी मर्दों का दुख है, क्या कर सकते हैं। खैर, इसके साथ ही पत्नी केवल मोबाइल चलाती रहती है और पाकिस्तानी सीरियल देखा करती है। ये पति का आरोप है पत्नी के लिए। इस पूरी खबर पर और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए वीवा न्यूज़। नमस्कार।